उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वैश्व मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुचित खबर, आप अपना चैनल वैश्व मोटे खबर देहरादून से। देहरादून के अंदर हमारे पहाड़ी उत्पादन और उनके बाजार के सवाल पर फंची धात की गतिविधि पर एक कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर जिस तरह से हमारे कल्लू, जिंजर, माल्टा, बाजरे के कटलेट, बढ़ाई, चटनी, मूंग आलू की बड़ी, पुदीना, हरे टमाटर की चटनी, बाजरे और माल्टे की मीठी मठरी, बाजरे की बेडमी, पूरी, पिंडारू, पाड़ी झोल, कोदो का उपमा, केंसु रिखणी दाल, डले वाली पहाड़ी भात और घी के रसाण, हमारी खिचौड़ी, इनका किस तरह से मार्केट किया जाए, कैसे इसे हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से इनकी मार्केट करनी है, इस पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक मठानी ने। देखिए रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। आज हम देहरादून के स्मृति वन में आए हैं, जो कि धात के लिए एक धात की एक पहल के साथ यहां पर काफ़ी दर्शक और उनके आमंत्रित सदस्य भी एकत्रित हुए हैं। फंची करके इनका एक प्रोग्राम चलता है, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद हैं उनको समर्थन प्रदान करने के लिए, साथ में विभिन्न प्रकार के जो अपने पहाड़ी व्यंजन हैं उनसे ताल्लुकात जोड़ने के लिए या अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा करने के लिए वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए, वो भी इस कार्यक्रम का एक अभूतपूर्व हिस्सा बने। साथ में हमारे साथ कार्यक्रम के सहयोगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उत्पाद आज यहाँ पर विक्रय के लिए भी एक स्टॉल के रूप में थे, तो सभी का हम एक अनुभव जानना चाहेंगे यहाँ पर, किस प्रकार के उनके आज यहाँ पर अनुभव रहे और इस प्रकार के जो अभिनव कार्यक्रम है, जो पहाड़ी उत्पादों को एक मार्केट प्रदान करने की जो चीज़ है, उनको लेकर किस प्रकार की भावनाएं और किस प्रकार की एक सोच और परसेप्शन लोगों के बीच में है। तो सबसे पहले सर हमारे साथ जो कि सुशांत सिंह जी हैं, सर इस प्रकार के जो अभिनव प्रयास हैं, खासकर पहाड़ में लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इस प्रकार की जब प्रस्तुतिकरण किए जाएँ तो किस रूप में देखते हैं आप इन कार्यक्रमों को? जी, हमने धात में यही शुरुआत करने की कोशिश करी थी। धात की तरफ से पिछले 4-5 साल से लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसको विस्तृत एक रूप देने की कोशिश करी है। ये हमारा जो फंची का जो कार्यक्रम है, इस फंची में ही जो है हम पहाड़ी उत्पाद और जो भी पहाड़ में फल वगैरह सब्जियाँ वगैरह होती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हम उनको यहाँ पे देहरादून में कलियों का आयोजन करते हैं, जिसमें कि और साथ में जो है जो पहाड़ी उत्पाद है उधर तक भिजवाने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने माल्टा को देखा, माल्टा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो जो किसान माल्टा उगा रहे हैं उनके माल्टा जो है बिक नहीं रहे हैं और बहुत छोटी कीमत में बिक रहे हैं, जो सरकार के समर्थन मूल्य है, तो हमने एक कोशिश करी कि हम एक जन समर्थन दें। सरकार तो समर्थन मूल्य दे रही है, लेकिन हम एक जन समर्थन दें, एक जो हमारी सामाजिक पहल है कि सारा समाज मिल के, अगर जैसे हमारे देहरादून में अगर हर एक आदमी का ले लें कि हमने 5 किलो माल्टा और 5 किलो नारंगी खानी है, सारा पहाड़ में माल्टा और नारंगी खानी, उनको समर्थन मूल्य की जरूरत है, तो यही इसी प्रकार के हम लोग कुछ। तो कहीं ना कहीं किशन जी की एक सांगठनिक भावना है कि बिना सरकार राजकीय समर्थन के वो कह रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार एक मूल्य समर्थन प्रदान करते हैं, उस प्रकार हम इस चीज़ को लेकर एक जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने जो पारंपरिक खाद्य व्यंजन है उन तक लगातार उनकी पहुंच बनी रहे और उस एक्सेस को बढ़ाने के लिए वो लगातार इस प्रकार के जो पहाड़ी किसान हैं, आज हमारे साथ यहाँ पर राहुल नेगी जी भी हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि उनके आज माल्टे का जो स्टॉल था वो यहाँ पर लगा था और काफ़ी लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया इस चीज़ में। सबसे पहले नेगी जी, आज का अनुभव कैसा रहा आपका कि आप पहाड़ में किसानी कर रहे हैं और सिक्किलो करके कुछ आप अपनी एक संस्था भी चला रहे हैं पहाड़ी उत्पादों की, सिक्किलो समिति करके, सर इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को लेकर पहाड़ में एक संभावना नज़र आ रही है कि लोग स्टार्टअप को सपोर्ट करने को लेकर एक स्पिरिट दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो हम तो फर्स्ट टाइम आए प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम आई थी आखिर में, जो कि आज इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका रही जिनके अभूतपूर्व योगदान से आज हमने इतना स्वादिष्ट और सुंदर भोजन यहाँ पर प्राप्त हुआ सभी दर्शकों को, उनका स्टे और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत से काम कर रही हैं, साथ में मेरा एक मेरी बड़ी क्यूरियसिटी है, अंदर जिज्ञासा भी है कि हम राजस्थान में जाएँ तो बोलते हैं कि दाल भाटी चूरमा, बिहार में जाएँ लिट्टी चोखा, मुंबई में जाएँ तो वो उनके इंटरनेशनल फेस्टिवल में वो वड़ा पाव वो चीज़ें होती, लेकिन हमारा उत्तराखंड अभी तक मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है और आपके योगदान से आप इसको किस ड्रीम के रूप में देखते हैं कि आप लार्ज स्केल में कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कलियों की जो रसोई है उसकी ओर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
और माल्टे का महीना है, माल्टे हमारी थीम है। जो हमारा जो विजन है, मेरा जो विजन है, मैं ये देखती हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का फूड है वेरी हेल्दी एंड बहुत वैरायटी है उसमें, लोगों को मालूम नहीं है, बहुत रिच है हमारा, हमारा जो अरोमा है हिमालयन अरोमा बहुत रिच है। हमारा जो फूड है वो इंटरनेशनली जो प्लेटर है उससे फाइट करने के लिए रेडी है दिस डेज। थोड़ा सा ये है कि उसमें प्रेजेंटेशन ऐड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्यूज़न करने की ज़रूरत है। फ्यूज़न मींस कि थोड़ा सा उसमें वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है ताकि हमारा फूड जो है ज़्यादा लोग मतलब ग्लोबली उसको पहचाने। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फूड को लेकर उनका भी एक क्लियर विजन आपको नजर आ रहा है। मैम, साथ में आज यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से बने हुए काफ़ी समय जान रहे हैं कि बहुत विभिन्न प्रकार के अपनी संजीदगी के साथ वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज के कार्यक्रम को आप किस रूप में देखते हैं, फंची के प्रोग्राम को? दरअसल हम फंची हमारा धात के बहुत सारे कार्यक्रमों से उस क्रम में हमारा फंची कार्यक्रम दरअसल में हमने महसूस करा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या जो शहरों की तरफ आई है पिछले 20-25 वर्ष, और हमको लगता था कि जो इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या जो शहरों में आई है उनको अगर एक अच्छा कंज्यूमर बेस बने तो पहाड़ में जो भी लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको बड़ा आधार मिले। तो फंची दरअसल में कोशिश है समाज को का एक समूह बनाने की जो कि कंज्यूमर बन के पहाड़ के उत्पादन को आधार, उसके लिए हम एक्टिविटीज करते हैं। पंची के अंतर्गत जो पर्वतीय उत्पाद है उनको तो खैर भिजवाने का तो कराई जाता है, लेकिन उसके बाद उसके पक्ष में जो सामान है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया आपके पास कोई भी उत्पादन उसके लिए हमारे यहाँ मंजू पाए वो अलग अलग तरह की रेसिपी तैयार करते हैं ताकि उसका उपयोग पढ़ा सकें कि हमने जो हो रहा है उसका बेहतरीन उपयोग कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज नए दौर में अगर सही उपयोग मालूम पड़ेगा उसका तो एक बड़ा मार्केट खड़ा किया जाता है। उस दिशा में माल्टे का महीना एक अभियान हमारा चल रहा है, 11 दिसंबर से चला, जनवरी से चला है। हमको ये उम्मीद है कि सरकार ने इसको बहुत सपोर्ट प्राइस दिया, वो भी चलिए एक बात को अलग बात है कि चलो मान सकते हैं कि सपोर्ट प्राइस ये कई सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसको एक अच्छी मंडी दिलाना, उसको अच्छा मार्केट दिलाना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, उसे तंत्र बनाना। कई बार समाज अच्छा तब बनता है कि जब एक व्यक्ति जो कुछ करता है उसके साथ खड़े हो जाए, तो धात दरअसल में वही करती है, धात कहती है उनके साथ खड़े हो जाओ जो कुछ करना चाह रहे। तो कई लड़कों ने स्टार्टअप शुरू किया हमारी संज्ञा, हम बस ये करते हैं जिनका साथ, और फूड में तो मुझे लगता है बहुत गुंजाइश है, अच्छी तरह से इसकी मार्केटिंग करनी ज़रूरत है। और मुझे एक बात और भी लगती है कि हमको उत्तराखंड सेंट्रिक होकर के या पहाड़ सेंट्रिक ना होकर के हमको अन्य कम्युनिटीज़ में जो हमारे पंजाबीज हैं हमारे दूसरी कम्युनिटीज रहती है बाहर का इतना बड़ा टूरिस्ट आता है उसको कैटर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मार्केट वहाँ से निकल जाएगा। हम लोग तो मान लिया हम थिचौड़ी खा रहे हैं तो थिचौड़ी हम तो खा ही रहे हैं, हमको ठीक है शौक है, लेकिन अगर बाहर का बंदा है जैसे राजस्थान का जो खाना है दाल बाटी चोखा वो दुनिया का ब्रांड है, पंजाब का खाना है, तमिलनाडु खाना है, वो ब्रांड इसलिए बनाते हैं कि वर्ल्ड लेवल का मार्केट है। हमारे अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि हम अपने आसपास एक दूसरे को कैटर करें, मुझे लगता है बड़ी ऑडियंस से कैटर करना चाहिए। हमारे यहाँ 25 गलियों में जो लोग आते हैं तो केवल पहाड़ी में ये कि उत्तराखंड में अभी बुजुर्ग है और काफ़ी कार्यकर्ता भी रहे हैं वो विजय जरदारी जी बीज बचाव आंदोलन को लेकर, तो वो एक चीज़ कहते हैं कि लोग अब बीजों को लेकर इतना संजीदा नहीं है, क्या धात इस बारे में को सोचते हैं कि बीज को हम किस प्रकार सुरक्षित रखिए एक अच्छी पौधा तैयार कर सकते हैं? दरअसल देखो विजय जरदारी जी का एक बहुत बड़ा काम है और उनका स्वभाव बहुत गंभीर है, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 20-25 सालों में पर्वतीय खेती लगातार सीख रही है। एक जमाने में कहते थे राज्य बनाते 11-12% आज जो ऑफिशियल डेटा ही 7-8% के आसपास, और मुझे लगता है कि अनऑफिशियली तो इससे भी ज़्यादा कम होगा। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने खेती छोड़ दी है तो जब खेती नहीं बच रही तो बीज बचना तो और बड़ा संकट खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर सघन प्रयास ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार और समाज को साधा के करना, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में हो नहीं पा रहा। और यहाँ पे जो हमने अपने जो सीजनेबल हमारे जो फ्रूट होते हैं माल्टा होते हैं, हमने ये देखा है कि जो हम पूरे सीजन में नहीं कर पाते हमने विद इन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर किया है, मतलब वही चीज़ सेम अगर हम पूरे सीजन में कर नहीं कर पाते मतलब मान के जो हमारे पास बिग क्वांटिटी में नहीं होता है लेकिन 14-20 क्विंटल माल्टा होता है, और वो माल्टा हमने यहाँ पे उसी रेट पे मतलब जो माल्टा हमारा पूरा सीजन में जो पूरा फ्रूट देने के बाद जो निकलता है जो कॉस्ट निकलता है वो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 हफ्ते में निकाला है। अभी हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे
बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो माल्टा लेना चाह रहे थे यहाँ पे और क्वांटिटी यहाँ पे माल्टा स्टॉक में ख़त्म हो गया था, उन लोगों को माल्टा फिर उपलब्ध हो गया। और मेरे जैसे बहुत सारे काश्तकार हैं, किसान हैं, जो माल्टे का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं माल्टा नारंगी का पहाड़ में। और यही नहीं, हम उसके तो हम लोग को वर्षाकालीन में उसके सिट्रस के प्लांट भी सप्लाई करते हैं। नेगी जी, आप किसान हैं और किसानी करते हैं और आप आज मैं काफ़ी उत्सुक भी था, इसको लेकर काफ़ी उत्साह रहा लोगों में कि सारे माल्टे स्टॉक में यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। आप किसानी कर रहे हैं और जहाँ किसानी की बात आती है तो आप अपने पारिवारिक साथियों का किस प्रकार का सहयोग रहता है, खासकर जो आपके जीवन साथी है सुजाल जी पौड़ी में फिनपुर संस्था को रन कर रहे हैं, उनकी पत्नी का भी बड़ा सहयोग रहता है, तो आप अपने पारिवारिक सहयोग को किस रूप में देखते हैं किसानी के क्षेत्र में? देखिए सर, जो हमारे यहाँ पे सिट्रस के प्लांट हैं जिसमें जो मौसमी प्लांट होते हैं, मौसमी होते हैं, नारंगी होते हैं, माल्टा होते हैं, वो हमारे यहाँ पे किन्नू तो नहीं होता पहाड़ में, गलगल होता है जो बड़ा वाला नींबू होता है, तो लगभग हमारे यहाँ पे 40 वर्ष का उत्पादन हो रहा है। मेरे पापा जी करते थे, स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी, तो उनके ही मार्ग मतलब जो मार्गदर्शन में हमने ये काम करना स्टार्ट किया और हमने इसको फैलाने के लिए नए प्लांट भी लगाए। मैंने 4 साल पहले हॉर्टिकल्चर से लगभग 100 से 150 नारंगी के और नींबू के पौधे लगाए जिस पर फ्रूटिंग होने स्टार्ट हुई। पिताजी की परंपरा को आपने कृषि के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने दिया जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब क्या देखते हैं आप, किस प्रकार इस प्रकार के आयोजनों किस रूप में देखते हैं? इस प्रकार के जो आयोजन हैं हम चाहते हैं कि हम जैसे जो छोटे काश्तकार होते हैं मिडिल क्लास के, जिनके पास क्वांटिटी कम क्वांटिटी में उत्पादन होता है लेकिन वो बेचते हैं, उनको उसके लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे पास बड़ी इलायची होती है, हम लोग बड़ी इलायची मसाले का काम करते हैं, और जो आप कह रहे फील गुड में श्री सुनिया जी, मैं लगभग उनके साथ 2017 से जुड़ा हूँ और वो हमेशा हम लोगों से प्लांट ले जाते हैं। अभी उनके यहाँ पर प्लांट का समय थे, इसलिए जो हमारा होम टाउन है वो बिल्कुल अलग है। मतलब वहाँ पर पहले बहुत सारे लोग उनके खेत होते थे लेकिन पलायन होने के कारण किसी ने ज़मीन को बंजर रख दिया, और वहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लांट सर्वाइव लगाएं जो प्लांट जिसको जंगली जानवर बंदर सुअर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जैसे इलायची इलायची है और माल्टे को तो खैर बंदर नुकसान पहुँचाता है लेकिन उसके साथ जैसे पहाड़ में कीवी का हो गया और नींबू को उसको बंदर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो हम यही रिकमेंड करूँगा कि आपके यहाँ पे जिस प्रकार का क्लाइमेट है उस प्रकार से आप काम कीजिए वहाँ पे, और आपको इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी ज़्यादा जानकारी या प्लांट आपको चाहिए तो हम आपको सीजन पेड़ कटा तो दो लगाई हैं तो इसमें हमने आप पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा नज़र आ रही हैं। हाँ, ये आप इस प्रकार के और इनकी ज़रूरत भी है समाज को, सोसाइटी को, एक पक्ष इसके बारे में सोचे। I just want to know from you that what was about the food today? Food, हाँ खाने बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा मुँह आ रखा है, मैंने बहुत खाया नहीं था, मैंने मीठा बहुत खाया, जो भी बनी थी बहुत बढ़िया था। वाकई हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जिस प्रकार का फंचे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मैं 15 लोगों को लेके आई हूं, काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी स्वादिष्ट थे, वेरी डिलीशियस फूड। अगर हम यहाँ के अन्य जो यहाँ के आमंत्रित सदस्य थे उनके भी हम ये पॉइंट जानना चाहेंगे। मैम, आप अपना कुछ एक सूक्ष्म अनुभव साझा करना चाहेंगे? बोल दिया How has been your experience here? Very nice. It's very fantastic, and I appreciate this occasion and this, the activity of this occasion. बहुत अच्छा लगता है, और मतलब ये एक मीटिंग भी है, सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड की उनका उनके बारे में सब लोग परिचित होते हैं, और खासकर जो आप ये जो पकवान बनते हैं उनकी रेसिपीज हैं, उनका खाना है, उसका टेस्ट है, तो उससे भी सब लोग परिचित होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि खाने में तो टेस्ट है ही, वैरायटीज़ भी हैं, और उसके साथ साथ ये हेल्थ फ्रेंडली भी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों से लेकर यंगस्टर्स के लिए और जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत फेवरेबल है, सुटेबल है। एंड आई थिंक कि इस तरह के आयोजन जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं आज यहाँ पर आमंत्रित सदस्य कितने रोमांचित, कितना उत्साह से भरे हुए हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का जब वो हिस्सा बनते हैं। मैम, में एक प्रश्न है मेरा कि यहाँ पर हमारे इस प्रकार के पहाड़ी व्यंजन लगे, पहाड़ी व्यंजनों की एक बुरा
कैटरिंग बनी हुई थी, लेकिन हम देखें कि लार्ज स्केल पे उत्तराखंड में जो लोग गेहूँ चावल उगा रहे हैं पारंपरिक तौर पे, ये जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं इनको लेकर लोग उतने एंथुसियास्ट नहीं दिखाते, तो क्या कहना चाहिए आप? जो हमारा ये जो फूड्स हैं जब हम बचपन में हम लोग भी खाते थे खाया है, क्योंकि मैं भी गढ़वाल में जन्म हुआ है और वहीं से पढ़ाई लिखाई की है, तो हम लोग इनकी क्वालिटीज़ के बारे में इतना जानते नहीं हैं, लेकिन लोगों को इनकी क्वालिटीज़ के बारे में एक्सपोजर देना ज़रूरी होगा, बताना होगा, क्योंकि किस चीज़ की क्वालिटी जब पता लगने लग जाती है तो ओबियसली उसका जो है मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो कि इसकी क्या उसका हेल्थ फ्रेंडली कैसा है। हेल्थ फ्रेंडली तो है ही, उससे पहले टेस्ट वाइज ये टंग टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे तो हेल्थ के बारे में इतना वो नहीं होते, लेकिन उनकी टंग टेस्ट अच्छा चाहिए तो बच्चों के लिए भी अच्छा है। और पहाड़ में जब किसी मदर को दूध नहीं होता था तो ये कहा, हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि ये जो मंडवा है इसका पानी। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा